तो बेरोजगार है तो बिजनेस में आपका स्वागत करते हैं और मैं अरविंद कुमार वर्मा। और आज मैं आपको एक ऐसे, आप जो डरे हुए रहते हैं, आप फेस नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, या फिर आप हर चीज़ में पीछे जा रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपका अंदर फीलिंग्स कुछ जाग नहीं रहा और मन में आप हमेशा सोचते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं तो गंजा हूं, तो आज मैं आपको ऐसे जगह लेके आया हूं जहां पे आपके सर के बाल अगर उड़ चुके हैं तो यहाँ गारंटी के साथ इलाज होता है। और मैं आज हूँ रांची राजधानी में, जहाँ पर एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ पर संतोष मोदी डॉक्टर का नाम है, और यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। और यहाँ पे अभी सर से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ का पूरा प्रोसेस है और क्या कुछ करना होता है एक गंजे के लिए, और जिनका बाल नहीं आ रहा है या फिर जिनका तेजी से बाल झड़ रहा है, तो तमाम तरह के सवाल होंगे आपके, मैं अभी बात करूँगा। सबसे पहले नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। आप ये बताइए कि आपका ये जो क्लिनिक है ये कहाँ पर है? ये रांची लालपुर चौक में है। अच्छा, बीआईटी गेट का? हाँ, बीआईटी गेट के अपोजिट में है। अच्छा, मतलब चौक से नज़दीक ही है, आपको विजिबल सामने से ही दिख जाएगा, जब बीआईटी एक्सटेंशन आइएगा ना वहीं से दिख जाएगा सर। अच्छा सर, काफ़ी लोगों का अभी बाल झड़ने की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है और वो गंजे का शिकार भी हो रहा है, तो इससे कैसे रोका जा सके, ऐसा कुछ उपाय? देखिए, अगर आप समय से ट्रीटमेंट कर लेंगे तो वो रोका जा सकता है, अगर समय पार हो जाता है उसके बाद अगर आइएगा तो फिर एक सोल्यूशन है, ट्रांसप्लांट करके फिर से बाल वापस आ जाएंगे, बाल वापस आ जाएंगे फिर से। अच्छा, ट्रांसप्लांट में बाल वापस आ जाते हैं? ये मतलब सर कितना प्रतिशत सच्चाई है इसमें, ये बताइए? इसमें 200% सच्चाई है। अच्छा, आप 200% गारंटी देते हैं? अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। सर तो ट्रांसप्लांट किनको किनको करवाना चाहिए ये बता दीजिए। जिनका पूरी तरह से झड़ गए हैं बाल, उनको एज भी लगभग ओवर हो गए, लगभग 18 साल प्लस हो गए हैं, उन लोग करवा सकते हैं। अच्छा, पूरी तरह से टकला हो गए हैं तो। जिनको अगर दीदी स्टार्टिंग फेज है, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, उनके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो कुछ नहीं, आके मिलेगा, उसके लिए ट्रीटमेंट का सुविधा है। अगर समय पे आप ट्रीटमेंट कर लीजिएगा तो शायद ट्रांसप्लांट का नौबत ना आए। अगर मान लीजिए सर 50% बाल उड़ चुका है और 50% उनका बाल है, तो क्या वो मतलब ट्रांसप्लांट कराने लायक है या नहीं? हाँ, ट्रांसप्लांट कराने लायक है। अच्छा, उसको करवा सकते हैं आगे, जहाँ पे आपका 50% उड़ गया है ना, वहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अच्छा, तो क्या ट्रांसप्लांट जहाँ पे करवाएंगे, और फिर ऐसा तो नहीं कि फिर जहाँ अभी जो 50% बचा वो भी उड़ जाए? देखिए, उसका तो कुछ कह नहीं, मेडिसिन वगैरह देते हैं, उसका क्या क्या रहेगा नाम? देखिए, सबका अलग अलग डिपेंड करता है, बोलते हैं रिपोर्ट पे आता है, नॉर्मली आइएगा, उसके लिए मिलना पड़ेगा, जब तक देखेंगे नहीं तब तक। कितने तरह का जाँच होता है सर? जाँच इसमें बहुत तरह का होता है, जैसे कि बॉडी का खुली जांच होता है एक तरह से, देखिए नॉर्मली। तो अभी और आप लोगों का सवाल होगा कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कई तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे कैंसर उनसर बहुत, ऐसा सुने हैं लोगों के मन में भ्रम है, तो क्या ये सच है या फिर झूठ है? नहीं, ये झूठ है, ऐसा अच्छा। कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ सारा चीज़ जाँच कर लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं, और होने के बाद बहुत सारा ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा, इतने पेशेंट हैं ना कि हम लोग यूट्यूब चैनल पर भी देख लीजिएगा, आपको वहाँ करीब आपको 100 वीडियो प्लस मिलेंगे। अच्छा, वहाँ पर आपको ऑलरेडी आप देख लीजिए, बहुत सारा काफ़ी पहले से करते हैं, सब चीज़ सब फ्रेश है, कोई इसमें कैंसर मतलब बाद में फ्यूचर इन केस में काफ़ी लोग डरे हुए रहते हैं इसके लिए, लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने से डरते हैं कि कहीं मेरा कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ऐसा क्या कुछ होगा? नहीं, ऐसा कोई हेयर ट्रांसप्लांट के वजह से आपका किसी पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और इसमें मेडिसिन लगभग कितने दिनों तक सर लेना पड़ता है? सर जांच रिपोर्ट पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपका क्या कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन देखने के बाद सर बता पाएंगे आप कैसे, कि क्योंकि हर इंसान का सेल अलग अलग है और हर इंसान को अलग अलग प्रॉब्लम है, तो एक ही तरह का तो इंसान है नहीं जिसको एक ही दवाई दिया जा सके, यहाँ तो डर्मालोजिस्ट का भी 1000 तरह का दवाई है, मेडिसिन है, तो आप एक बार विजिट करें, और यहाँ का एड्रेस मैं डाल दूँगा और नंबर भी दे दूँगा, आपको अगर किसी भी तरह के सवाल हो, जवाब हो, तो आप कॉल करके यहाँ क्लिनिक में आप पता कर सकते हैं। और आपको अगर या वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और किसी तरह का सवाल हो तो आप कॉल करके या कमेंट में पूछ सकते हैं, और फिर हम मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, और आपको मैं यहाँ का फुल डिटेल का भी दूंगा जानकारी कि किस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों। चौक से पहले है, अपोजिट साइड में ये गेट जो दिख रहा है बीआईटी गेट है, और ठीक उसी के अपोजिट साइड में यह जो बिल्डिंग आपको दिखेगा, इसी के सीधा नीचे में आपको डेंसिटी, हेयर डेंसिटी क्लिनिक है,
वो आपको मिल जाएगा। आपको ये दिख रहा होगा परफेक्ट सेल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलता है और इसी से ठीक मुझे आगे बढ़ना है और ठीक यहाँ से कहीं मुड़ना नहीं है, सीधे जाना। ये आपको पहले बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे सारे तरह का ट्रीटमेंट होता है। ठीक सीधा आगे बढ़ते जाना है और यहाँ पे आपको एक पतंजलि का शॉप मिलेगा और इसके आगे जाने के बाद आपको हेयर सैलून मिल जाएगा, हेयर स्टाइल सैलून, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ सैलून भी है। और ठीक इसके आगे पहुँचने के बाद आपको क्लिनिक डॉक्टर जी का, संतोष मोदी जी जो सर है, जो डॉक्टर हैं, उनका क्लिनिक मिलेगा जो डेंसिटी लिखा हुआ रहेगा बड़ा बोर्ड में। ठीक अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक लड़का या लड़की हमेशा बैठे रहते हैं जो कि यहाँ के बोल सकते हैं जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा काफ़ी सर्टिफिकेट सर को, डॉक्टर जी को मिला हुआ है, ये आप देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको आने के बाद लगेगा, अंदर से विश्वास जगेगा कि ये मैं सही जगह पहुँचा हूँ, शायद मैं भी आप यहाँ पे काफ़ी संतुष्ट होंगे। यहाँ पे हर एक मशीन अवेलेबल देखने के लिए आपको मिल जाएगा, पीआरपी होगा, टैटू रिमूवल का भी काम किया जाता है, लेज़र ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको, काफ़ी कुछ आपके ये फेस से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बताएंगे कमेंट में और सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाऊंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।